शनिवार को कांग्रेस का संकल्प शिविर वैशाली नगर विधानसभा में आयोजित किया गया। संकल्प शिविर में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने वैशाली नगर विधानसभा के कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चुनाव में सभी से एकजुट होकर कार्य करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी को विजय बनाने का संकल्प दिलवाया। आए तैयार हम संकल्प शिविर के माध्यम से। हम लोग आज पिछले 11 तारीख से शुरुआत हुई है और प्रदेश के सभी विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं और बूथ स्तर के कार्यकर्ता आ रहे हैं। संकल्प शिविर के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं का लगातार रिचार्ज कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार की योजनाओं तक जनता तक पहुँचा रहे, ताकि आने वाले नवम्बर में विधानसभा चुनाव होने हैं। जब विधानसभा चुनाव होगा तो हमारा टारगेट है छत्तीसगढ़ में 75+ सीट कर जीत कर जाना और छत्तीसगढ़ में सरकार। वैशाली नगर विधानसभा बन चुकी है, 75 से ज़्यादा दावेदार है। बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे बहुत से दावेदारों की फौज है, लेकिन सबको पता है चाहे कितने भी आवेदन आ जाए, उनका आखा अधिकार है, मांग सकते हैं। हम लोगों ने नहीं रोका, ये लोकतंत्र है, ये स्वस्थ लोकतंत्र है कि हमारा एक कार्यकर्ता भी टिकट मांग सकता है। यही तो कांग्रेस की परंपरा और लोकतंत्र है। कोई दिक्कत नहीं है, टिकट एक को मिलेगी, बाकी सब लोग मिलकर काम करेंगे। उन्हीं में से टिकट मिलेगा या फिर पैराशूट लैंडिंग बिल्कुल नहीं होगा। जो आवेदन आया है उन्हीं में विचार करेंगे। उसके बाद अगर कोई प्रत्याशी है जो अच्छा है, आवेदन नहीं भी आ पाया हो, तो निश्चित रूप से मौका। कोई संकल्प शिविर कमजोर नहीं था। अगर हमारा एक कार्यकर्ता 1000 के बराबर पर्याप्त है। हमारी सभी संकल्प शिविर सभी क्षेत्रों में जोश और उत्साह साथ काम कर रहा है, तो हम लोग हर संकल्प शिविर हम लोग का सफल है और हम लोगों ने पूरे 90 विधानसभा पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को और मजबूत करेंगे, ताकि हम जब नवंबर में लड़ाई क्षेत्र में जाएँ तो हम लोग 75+ जीत के आए। इसके लिए बहुत आसानी से हम लोग उस टारगेट को हम लोग पहुंच सके वहां तक। पाटन से विजय बघेल लड़ रहे हैं चुनाव और विजय बघेल बोल रहे हैं कि जनता उनको आशीर्वाद देगी और जिताएगी। आशीर्वाद तो दे दिए उनको सांसद है आज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी है नहीं, और एक तो उधारी का प्रत्याशी ले रहे हैं वो पहला। दूसरी चीज, आज जो 21 कैंडिडेट घोषित कर दिए उनको देखेंगे तो लगातार विरोध हो रहा है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सिर्फ पाटन के नेता नहीं है, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता हैं। वो तो हमेशा बोलते हैं मुझे चुनाव प्रचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, नामांकन भर दिए चुनाव उसी में जीत जाएंगे। इसलिए पाटन की कहीं भी चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस समय लाखों वोटों से जीत कराएंगे। महिलाओं की कितनी भागीदारी है जो सीटों में, जिस सीटों में हमारे महिला प्रत्याशी जीतने के स्थिति में हैं, तो मौका उनको भी मिलेगा। सिर्फ आज शिविर आज आयोजित किया गया था बाबा अंबेडकर भवन में और वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में ये संकल्प शिविर लिया गया था हमारे माननीय पीसीसी चीफ दीपक बैज के द्वारा, उनके नेतृत्व में और माननीय भूपेश बघेल जी के कुशल नेतृत्व में यह संकल्प शिविर आयोजित किया गया था और जो कि पीसीसी के दिशा निर्देश के अनुसार में यह कार्यक्रम को किया गया है। बीजेपी को किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारी पिछली सरकार और अभी की जो सरकार में बहुत अंतर है। हमारी वर्तमान की जो कांग्रेस की सरकार है, एक एक लोगों के लिए, एक एक मजदूर किसान वर्ग के लिए और एक एक व्यक्तियों के लिए हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है, चाहे वो खेतिहर मजदूर हो हमारे श्रमिक भाई बहन है। और चूँकि भिलाई श्रमिक गढ़ है और वैशाली नगर हमारे श्रमिक गढ़ों से आता है और उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और नगरीय निकाय क्षेत्र में नगरीय प्रशासन ने बहुत बेहतर काम किया है। देखिए, इस बार बेहतर प्रदर्शन होगा और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है ने पूरे 90 विधानसभा में बेहतर काम किया है, पूरा प्रदेश में बेहतर काम किया है, चाहे किसानों का हो, मजदूरों का, शिक्षित बेरोजगारों का हो, युवाओं का हो, घर पहुंच सेवा हो और नगरीय निकाय सेवा में बहुत प्रकार की ऐसी सेवाएं हैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में दिया है। मेरा नाम हरिओम सोनी, मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस का प्रदेश का प्रभारी हूँ और अभी वैशाली नगर विधानसभा का दावेदार प्रत्याशी हूँ।